हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्स्ट्रा बेफ्ट फिगरिंग डिज़ाइन टू कलर्स में कैसे बनती है। जैसे आप मैंने पहले वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा बेफ्ट फिगरिंग डिज़ाइन सिंगल कलर में कैसे बनती है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्स्ट्रा बेफ्ट फिगरिंग डिज़ाइन टू कलर्स में कैसे प्रोड्यूस की जाती है। ओके, ये भी बता दूँ कि इसके पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं उनको अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो में जो आई बटन है उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड वीडियो जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आप स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि हाउ टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा बेफ्ट फिगरिंग डिज़ाइन विद टू कलर्स। ओके, एक्स्ट्रा बेफ्ट फिगरिंग डिज़ाइन विद टू कलर्स। ओके, ये सबसे पहले टू कलर्स में बनाने के लिए, जैसा कि एक्स्ट्रा बार फिगरिंग विद टू कलर्स में प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह से हम एक मोटिव सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने मोटिव सेलेक्ट कर लिया है, दिस वन। ओके, ये मोटिव डिज़ाइन है, इसका एरिया है 8x8। ओके, 8 बार्फ हैं और 8 बेफ्ट्स हैं। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें आप देखिए कि कुछ धागे सिंगल कलर के हैं और कुछ धागे जहाँ पे फिगर बनाना है वहाँ पे दो तरह का धागा, मतलब दो कलर का थ्रेड यूज़ किया गया है। जैसे आप ये वाला देखिए, ये बेफ्ट देखिए, ये बेफ्ट देखिए, ये सिंगल कलर में है, और जहाँ पे भी क्रॉस और एंड क्रॉस विद सर्किल्स आ रहे हैं, मतलब जैसे थर्ड वाले बेफ्ट में देखिए आप, क्रॉस भी हैं और क्रॉस विद सर्किल्स भी हैं, तो इसमें दो तरह का, दो कलर का धागा यूज़ किया गया है। ओके, दो कलर का धागा यूज़ किया गया, तो आप देखिए इस वाले बेफ्ट में यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे दो तरह के यानी दो कलर के धागों का यूज़ किया गया है एक्स्ट्रा बेफ्ट फिगरिंग बनाने के लिए। ओके, लास्ट वाले में और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल कलर का धागा यूज़ किया गया है। ओके, अब इसको हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, इसको हम डिज़ाइन में कैसे प्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले जब मैंने एक्स्ट्रा बार फिगरिंग की डिज़ाइन बनाई थी उसमें मैंने बताया था टू कलर में कि सबसे पहले जहाँ पर भी दो कलर हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, यानी जहाँ जिस बेफ्ट में भी दो कलर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, यहाँ पे जो क्रॉस विद सर्किल्स हैं और केबल क्रॉस हैं उनको हम अलग अलग करेंगे, मतलब इनका सेपरेशन करेंगे। ओके, तो सेपरेशन कैसे करेंगे, ये वाले जो सर्किल हैं इनको दूसरी जगह ले जाएंगे और जो क्रॉस हैं उनको वहीं रहने देंगे। वो कैसे करेंगे, आप देखिए, ओके, तो देखिए ये वाला जो बेफ्ट है यहाँ पे आ गया, जो F2 है वो यहाँ पे आ गया, जो F3 है, जो जिसमें दो कलर के धागे थे उसका हम क्रॉस वाला पहले निकाल लेंगे, ये हमने जैसे निकाल लिया है, और जो दूसरे कलर का धागा है जिसमें क्रॉस विद सर्किल्स हैं, जैसे ये है और ये है, इनको हम अलग निकाल लेंगे, देखिए, ठीक है। तो ये हमारा एक फेस सेपरेट हो गया, ये वाला जो बेफ्ट है जिसमें दो कलर के धागे थे उनको हमने सेपरेट कर लिया है। पर अगर हम कंबाइंड की बात करें तो ये पूरा F3 है, ठीक है, अगर हम कंबाइंड की बात करें तो ये पूरा F3 है। इसी तरह से सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस वाले को भी देखेंगे, ये वाला ये है, ठीक है, अब हम इसकी बात करें तो ये है, ये है, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमने दो निकाल लिए और यहाँ पे जो फिगरिंग वाले हैं चार ये भर दिए, और जो F7 और F8 हैं ये सिंगल कलर में ही है इसलिए एज इट इज छोड़ दिए जाएंगे। तो दिस इज़ नोन एज सेपरेशन ऑफ द टू कलर्स। ओके, अब हम इसका एक्स्ट्रा बेफ्ट फिगरिंग डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एरिया डिसाइड करेंगे, इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में 2:2 का रेशियो लिया गया है, 2:2 का मतलब ग्राउंड बेफ्ट टू फिगरिंग बेफ्ट का जो रेशियो है वो 2:2 है, यानी अगर दो फिगरिंग बेफ्ट हम डालेंगे तो उनके साथ दो ग्राउंड डालेंगे।
इसलिए अब हम एरिया डिसाइड करते हैं। ये 8x8 में बना हुआ है तो वार्प साइड 8 हो जाएगी, और जो बेफ्ट साइड है, बेफ्ट साइड है वो चूँकि 2x2 का रेशियो ले रखा है इसलिए 8 बेफ्ट हैं, तो 8x2 यानी 16 प्लस 4 जो कलर्ड थ्रेड्स हैं, जो दो कलर के धागे हैं, 4 हैं यहाँ पे, उनको हम ऐड कर देंगे, यानी 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। तो ये जो डिज़ाइन बनेगी 8x20 में बनेगी, यानी 8 वार्प होंगे और 20 बेफ्ट होंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से अब हम इस पर्टिकुलर डिज़ाइन को एक्स्ट्रा बेफ्ट फिगरिंग डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो जिस फिगरिंग बेफ्ट में एक ही कलर का धागा था उनको हम एज इट इज़ भर देंगे, यानी F1 F2, क्योंकि हमें दो फेस एक साथ लेने हैं, 2:2 का रेशियो ले रखा है, यानी दो फिगरिंग बेफ्ट उसके साथ दो ग्राउंड, तो हमने F1 F2 को एक साथ ले लिया है। ओके, अब F1 F2 को लेने के साथ इनके साथ हमें दो ग्राउंड की ज़रूरत होगी, तो हमने दो ग्राउंड ले लिया है, G1 G2। G1 में हमने प्लेन भी भर दी है, उसके बाद G2 में G1 का अपोजिट भर दिया गया है। ओके, अब जो फिगरिंग जो दो कलर के धागे थे, फॉर एग्जांपल हमें F3 को लेना है, अब हमें लेना है F3 को, इसको, ओके, F3 को लेना है। तो अब आप ये देखिए, भले ही हमने यहाँ पे कलर को सेपरेट किया था, यानी दो कलर थे उनको हमने सेपरेट किया था, पर ये फेस एक माना जाएगा, मतलब जो फिगरिंग बेफ्ट है इसको कम्बाइंड माना जाएगा, और जब कम्बाइंड हम मानेंगे तो 2:2 का हमने रेशियो ले रखा है, इसलिए हम F3 और F4 को एक साथ उठाएंगे, मतलब इनको देखा जाए तो F3 और F4 को सिंगल बेफ्ट माना जाएगा, भले ही हमने सेपरेट किया हुआ है कलर को, पर सिंगल बेफ्ट मानेंगे, यानी दो फेस, दो जो फिगरिंग बेफ्ट हैं उनके साथ हमें दो ग्राउंड लेना है, तो हम दो फिगरिंग बेफ्ट को, यानी F3 और F4 को एक साथ उठाएंगे। ओके, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत यही है कि हम जो दो फिगरिंग बेफ्ट है उनको एक साथ उठाएंगे, जैसे F3 को हमने ले लिया, उसके बाद F4 इसको भी ले लिया, तो F3 और F4 को हमने एक साथ उठा लिया, अब यानी ये दो फेस हो गए, ठीक है, तो दो फिगरिंग बेफ्ट उसके साथ दो ग्राउंड, तो दो ग्राउंड हमने ले लिए, G1 और G2, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, यानी ये जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा F3 F4 G1 G2, यानी 2:2 का रेशियो हो गया। अब 2:2 का रेशियो होने के बाद अब सिमिलरली हमें क्या भरना है, F5 F6, इसमें भी दो कलर के धागे थे तो हमने यहाँ पे F5 और F6 को उठा लिया एक साथ, और इसके साथ भी, यानी दो फिगरिंग बेफ्ट आ गए, अब हमें दो ग्राउंड भरना है। ओके, तो दो हमने जो ग्राउंड है ये भर दिए, G1 G2, इसमें प्लेन भी भर दी गई है ग्राउंड में। अब उसके बाद कोई भी ऐसा थ्रेड नहीं था जिसमें दो कलर के धागे थे, तो अब सिंगल कलर के धागे थे, F7 यानी F7 और F8 जो फिगरिंग बेफ्ट था इसमें सिंगल कलर था, इसलिए हम दोनों को एक साथ उठा लेंगे। दोनों को एक साथ उठाने के बाद ये वाला उसके साथ दो ग्राउंड भर देंगे, G1 और G2। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा बेफ्ट फिगरिंग डिज़ाइन है विथ टू कलर्स इन द रेशियो ऑफ 2:2, यानी दो ग्राउंड बेफ्ट एंड दो फिगरिंग बेफ्ट, इस तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपकी डिज़ाइन 8x20 में कंप्लीट हो जाती है। ओके, आप चाहें तो रेशियो 1:1 का लेके भी कोई भी मोटिव सेलेक्ट करके 5:5 का, 10x10 का, 8x8 का, किसी भी रेशियो में भर सकते हैं आप। 1:1 का सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक ग्राउंड एक फिगरिंग बेफ्ट, 1:2 का सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ग्राउंड बेफ्ट 2 फिगरिंग बेफ्ट, इस तरह से आप जो भी चाहें इस डिज़ाइन के साथ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, एंड जो नेक्स्ट वीडियो है वो उसमें मैं बताऊंगा कंपैरिजन एक्स्ट्रा बार फिगरिंग और एक्स्ट्रा बेफ्ट फिगरिंग में
क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, एक्स्ट्रा बार फिगरिंग बनाने में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और एक्स्ट्रा बेफ्ट फिगरिंग बनाने में क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, तो इसका कंपेरिजन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।